एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लैनेट से आया है. He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter. नहीं जा रहे हम बैटिंग का भी एक होता है सिलसिला, लेकिन कादर सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली. लाइक पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है. यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा. सो दोनों सेमीफाइनल मज़ेदार होने वाले हैं. देखें बड़ा ज़बरदस्त आप इसको बाबर और रिजवान को थोड़ा सा सोचना चाहिए टीम के लिए भी. और मैं हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि आज हमने ना बाकी टीमों को अपने जैसा कर लिया है. हम बुरा खेल रहे हैं, वो हमसे भी बुरा खेल रहे हैं. तो ये मेरे ख्याल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जितना करें. बराबरी का मुकाबला हो रहा है यार. मैं तो आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि सूर्य कुमार यादव को लेकर. और ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप में अगर एक अलग बैट्समैन लग रहा है सूर्या, जिस तरीके की आपने देखा बैटिंग कर रहा है. हालांकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये कमेंट करते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ रन बनाता है यार, बहुत बड़े ईडियट हैं पाकिस्तानी कि वो छोटी टीम के खिलाफ बनाता है, इस तरीके की बात करते हैं. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़. एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है. He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1,000 runs in T20 in 2022. Yep. He's the first Indian batsman to score 1,000 runs in T20 in any year. He scored 50 of 23 balls, with the fourth fastest 50 for India in T20 World Cups. It's just treat to watch. Yeah, just unreal stuff there. Yeah, not just against Zimbabwe, against the top bowling attack of the world. And you know, look at this shot. Unbelievable. Baller jaye to jaye kahan. Baller jaye to jaye. This is just fearless. Sirf kya fearless hi kahenge talent ke saath. Ke darna nahi hai, gain lag bhi jaye. Maine apni, matlab maza aata hai dekhne ke aise ladke ko. Yeah, totally. Bilkul Waqar ne sahi kaha ke aise mauke mein bowler jaye to jaye kahan. Jaye to jaye kahan. Dressing room. I mean, look at that. I mean, but he's not going to dressing room. Yeah. Look at these shots. मसला ये है कि ये ही issue ये नहीं कि ये shots बड़ी मारता है या छक्के मारता है या चौके मारता है. It's just that everywhere he hits. It's 360 degree. I mean, look at all those boundaries. उसने यहाँ पे scoop shot भी खेल दिया, extra cover भी खेल दिया, backward point पे भी खेल दिया, सीधा भी मार दिया. You see? I mean, then yeah. How I'm just trying to think how what's the best way to get him out in T20. One day probably a test match में तो one can plan against him. But in T20 cricket, because aap वैसे as a bowler you're always on the back foot, and if someone is in such a good form and such a dominant kind of nature ka jo batsman hota hai, it is very difficult to bowl at him. Yeah. And Pakistan in the previous game did well against him. They really bombarded him with the bouncers. Right. And I think maybe that's the only way to go. And I hope Pakistan plays India in the final here in Melbourne ki pitch bhi thodi spicy hai, so that'll be a good game. स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम ले गए तो सबसे पहले आवाज़ आती है जिसने सारे काम किया था, हाजिर जनाब. राइट. ये वो है कि मतलब उसने पूरा होमवर्क किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने. और मिडल ऑर्डर में खेलना आई गेस ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है. ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता रोज़ रोज़ ये चार बॉलों पे चार छक्के नहीं लगते, छः नहीं लगते, तीन नहीं लगते, क्योंकि बॉलर्स हैं वो भी वेरिएशन बहुत सारी करते हैं. तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ इस शॉट्स सिलेक्शन इट्स ब्यूटिफुल. और उसने उस पर हम लोगों ने उस दिन उसका इंटरव्यू भी देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली. लाइक पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है. यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा. सो दोनों सेमीफाइनल मज़ेदार होने वाले हैं. देखें बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की है. सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अब टॉप बैटर तो हैं ये T20 के, उसके साथ साथ उनको आप ये देखें अदील के वो जब आते हैं क्रीज पर
वो विराट कोहली का जिस तरह एग्रेशन और एटीट्यूड होता है ग्राउंड पर आकर ऑन फील्ड आकर प्रेशर अपने हैंडल करना, सूर्या कुमार यादव को आप देखेंगे जिस तरह उनका पहले गुज़श्ता मैचेस हुए ऊपर से विकेट जा रही थी लेकिन सूर्या कुमार यादव आके नीचे से फिर 50 बना गए, बड़े एग्रेसिव क्रिकेट खेली, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने अपना खराब नहीं होने दिया right. इसलिए जो है वो सूर्या अभी जो है वो बेहतरीन है और टॉप के नंबर वन है इस वक्त वर्ल्ड के। तो आप ये देखें दोनों सेमीफाइनल जो है वो बहुत तगड़े होने वाले और इनका हक बनता था लेकिन पाकिस्तान जो है वो जिस तरह मर्जी दो मैचेस हारा लेकिन उसके बाद से उन्होंने एफर्ट करनी शुरू की। आज नीदरलैंड ने बेहतरीन जो है वो क्रिकेट खेली, मैं उसको सपोर्ट भी कर रहा था आज सुबह से, और नीदरलैंड ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को आउट क्लास किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के, लेकिन थोड़ा सा अभी पाकिस्तान के लिए 6 ओवर यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह शाहिद भाई ने बात की है कि ओपन जो है वो हारिस को करना चाहिए और बाबर को थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए जब वो स्ट्रगल कर रहा है, तो बेहतरीन काम हो जाएगा क्योंकि ऊपर से एग्रेसिव जो है वो आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपके नीचे वाले बैटर्स के लिए आसानी हो जाएगी, उनके लिए स्ट्राइक रेट मेंटेन करना मुश्किल काम नहीं होगा। आप ये देखें अभी जो है वो ऊपर से बाबर आउट हुए, फिर उसके बाद जो है वो नवाज को भेजा गया, फिर उसके बाद जो है वो हारिस को भेजा गया और फिर शाहनूस आए, तो इस तरह की हमें शफलिंग करनी ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऊपर से एक पूरा बना लेंगे और नीचे से उसको जो फिनिश करने वाले इफ्तिखार है, शदाब है और नवाज है वो फिनिश कर सकेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा काम। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सिडनी में हम ये भी आप नोट कर लेंगे, पाकिस्तान अब 13 को फाइनल खेल रहा है मेलबर्न में और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला ट्रॉफी लेंगे। बाबा जी की ऑफिशियल प्रेडिक्शन जो है वो आ गई है, तो इसका मतलब ये कि अब आप लोग के बाद कादिर बाबा होने वाले हैं। ये बाबा नहीं, फाख्ते वाली सरकार, फाख्ता इनकी छड़ी के ऊपर एक फाख्ता बनी हुई होगी, आप देखिएगा ना ये इस पे। तो सवेरा फिर अब मैं एक चीज एड जरूर करना चाहूंगी, आपने सूर्य कुमार यादव की बात की अदील, दिस इज व्हाट वी से डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक, उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20 खेले हुए हैं, राइट, एक्सपीरियंस, उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया हुआ है प्रॉपरली, बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं, उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालें किधर जहां से जो है वो हिट आउट ना करे। अच्छा पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्या कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। एक बार रिजवान से हमारे हुज़ैफ़ा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आपके होमवर्क, तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता, मैं आपको वो सुनवा भी देता। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो कहते ना जी मेरे हो जाते हो आप, बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका अगर यही वाला सिलसिला। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी सवेरा ने कही है कि 200 225 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है, देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपनी गेम का पता है, राइट, उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है, उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे शॉट जितना आप अपने गेम के अंदर निखार जितनी स्किल आपके पास होंगी आप उतने अच्छे इंपैक्ट वाले प्लेयर होंगे, तो आपको तो डेवलप करने पड़ेंगे शॉट, ये तो वो फॉर्मेट है जिसके अंदर उल्टा भी छक्का मारना है सीधा भी छक्का मारना है, सही है। तो जितने आपके पास शॉट्स होंगे उतना रन्स आपके पास जो है ना वो इजी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल लाला, एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आपने भी खेला है, वो भी 2009, बल्कि आप दो T20 के सेमीफाइनल खेल चुके हैं, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम खेले थे सेमीफाइनल 2009 में, और उसमें आपकी बड़ी एक जबरदस्त इनिंग और इट वाज आई थिंक अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। अब प्रेशर खिलाड़ियों पे अब आता है, लाइक अब अभी तक तो जो था वो अपनी जगह था लेकिन अब डू एंड डाई, बिकॉज सारी तारीफें सब खत्म हो जाएंगी अगर आप सेमीफाइनल से खुदा ना खास्ता हार कर आते हैं, इस प्रेशर को कैसे कोप करना है लाला, क्या अपने आप को कट ऑफ करके बिल्कुल फोकस्ड ऑन द गेम यह होता है, एक टॉप लेवल का प्लेयर कैसे मैनेज करता है? देखिए उस मैच से पहले एक मैच था हमारा अगेंस्ट न्यूजीलैंड जी जो कि हम जीते थे, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही, मैंने जबरदस्त कैच पकड़ा, उमर गुल ने जबरदस्त स्पेल किया, तो हम जीत के साथ सेमीफाइनल में गए थे और वो कॉन्फिडेंस हमारे लिए बड़ा तगड़ा था, वो बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। तो देखिए कॉन्फिडेंस के साथ तो टीम को उतरना पड़ेगा, राइट, अपने जहन में ये चीज भी रखें कि हम इस टीम को मार चुके हैं पहले भी पास्ट में, उनके होम ग्राउंड पे हम सिडनी में, हाँ होम ग्राउंड में भी हम हरा के आए हैं, हम सिडनी में खेल रहे हैं, हम यहाँ पे मैच जीते हुए हैं,
वो बात कॉन्फिडेंस की है, बॉलर्स बैट्समैन फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, उस दिन को एंजॉय करें, अपनी 100% एफर्ट दें, रिजल्ट की फिक्र ना करें। राइट, आप 100% एफर्ट करेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। चले एब्सोल्युटली इसमें बिल्कुल। अदील नसीम शाह जो है वो आपसे बड़ा नाराज है इस बात पे, वो कहते हैं कि हम भी तो बॉलिंग करते हैं मगर लाला से आप सिर्फ शाहीन के सवाल पूछते हैं, तो लाला अगर आप नसीम की बॉलिंग पे कोई बात कर दें। नसीम तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है जबरदस्त जगह पे, उससे अच्छा एरिया वो और मोहम्मद वसीम, तो उसके अलावा तो कोई बॉल कर ही नहीं रहा। नसीम शाह का हम हमेशा बड़ी तारीफ करते हैं और बल्कि जब वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा था तो हम बैठ के नसीम शाह को यहाँ बहुत सपोर्ट कर रहे थे, और उसने जो दो छक्के मारे हैं उसका बैट भी मैंने उससे ले लिया है, तो और क्या करूं मैं। नहीं नहीं वाकई, और असल में नसीम जो है ना वो देखें, आज भी उन्होंने 3 ओवर्स किए, नसीम ने 15 रन दिए, ये वो हैं जो खामोशी से परफॉर्म करते हुए चले जाते हैं। ज़रा कुछ एक कुछ आपकी स्टार अट्रैक्शंस होती हैं जिन पे लाइमलाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो शायद यही वजह है, और फिर ज़रा आफरीदी की वजह से लाला से भी दिल, यू हैव नो आइडिया जो स्टारडम इस वक्त नसीम को मिल रहा है ना, माशाल्लाह, जो माशाल्लाह कहते हैं ना टीनएजर्स, जो सारी जो बच्चियां हैं वो बच्चिया सब इस वक्त सिर्फ नसीम की बात करते हैं। अल्लाह ताला अदील एक मिनट, एक मैं बात थोड़ी सी करना चाहूंगा, शायद भाई बैठे हैं, हमने अब शुरू में आपको याद होगा जिम्बाब्वे इंडिया के खिलाफ स्पेशली लोगों का एकदम बुछाड़ आ गया था तनकीद का कि शाहीन शाह अफरीदी खासतौर पर वो अभी तक कमतौर पर फिट नहीं। आज इनको समझ लग गई होगी कि हम उनको बार बार समझाते थे कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट है, सिर्फ उनका एक रिदम आना बाकी है, उनकी विकेट्स आ जाएंगी, उसके बाद शाहीन जो है वो दोबारा बाउंस बैक करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन ने आज जिस तरह बॉलिंग की है बेहतरीन बॉलिंग की है, और इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल में भी शाहीन ही होगा इंशाल्लाह। कादिर आपके आने से पहले लाला के साथ हमने यही बात की थी, और हमारे यहाँ कुछ एक दो कुछ खास जर्नलिस्ट हैं जो पता नहीं क्या कोई स्कीम है उनकी या क्या कोई उनकी कैंपेन चलाते हैं, वो क्या होता है कि जी शाहीन को ड्रॉप करें, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। सो अब गाइज लाइनअप हैज बीन कम्प्लीटेड, इंडिया का मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड के साथ। इंडिया ने आज बाय द वे जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी, बहुत आसानी से शिकस्त दी उन्होंने, शुक्र है हम इस मुकाबले पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, वरना तो हमारे वो वर्ल्ड कप का इख्तिताम ही हो जाना था आज। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि सूर्य कुमार यादव के बारे में, अब वसीम अकरम हो, वकार हो या शाहिद अफरीदी हो, ऑब्वियसली अभी सूर्य कुमार यादव जिस तरीके का खेल रहे हैं यार, अगर आपने क्रिकेट खेली है, टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेली है, आप कोशिश करिएगा उस सूर्य कुमार यादव की तरह खेलने का, आपको बॉल यहाँ लगेगी, बॉल टच ही नहीं होगी, और मैं टेनिस बॉल की बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्पीड की, वहाँ सूर्या मारता है 140 प्लस वालों को, 150 प्लस वालों को, तो समझ जाओ आप, बहुत बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत मेहनत की, आईपीएल कब से खेल रहा है, बहुत पहले इंडिया को मिलना चाहिए था इस तरीके का प्लेयर, ऑब्वियसली लेट मिला है। अब सूर्या को करना क्या है, सूर्या प्लीज़ भाई आप सेमीफाइनल फाइनल बस में रन बना दो प्लीज़, हमें ये वर्ल्ड कप चाहिए, बहुत लंबा इंतजार हो गया, आईसीसी टूर्नामेंट हमने 2013 के बाद नहीं जीता है, अब लगातार आईसीसी टूर्नामेंट आ रहे हैं, और सूर्या की भी एज 30 प्लस से ऊपर है, विराट भी 30 प्लस से ऊपर है, रोहित शर्मा भी 30 प्लस से ऊपर है, फिटनेस भी नहीं है, तो भाई इन प्लेयरों को आप सीरियसली, आप भारत को लगातार डोमिनेंस वाला वो चाहिए, मतलब तड़का जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का रहता था, डोमिनेट करते थे आईसीसी टूर्नामेंट में, कंटिन्यू आईसीसी टूर्नामेंट है, मेरी यही दिल से ख्वाहिश है कि यार इंडिया वर्ल्ड कप जीते, ये नहीं अगला 50, ये सब जीते। रही बात वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट की, तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू इंग्लैंड न्यूजीलैंड पाकिस्तान को आसान टीम मिली है, बट न्यूजीलैंड आसान मत समझें आप, क्योंकि अभी करंट फॉर्म देखें तो इंग्लैंड से अच्छा खेल रही है न्यूजीलैंड, बट इंग्लैंड बहुत डेंजरस टीम है। डेविड मलान जो पिछले 2 मैच से उनको बैटिंग नहीं मिल रही, 8वें 9वें नंबर पर वो हेलमेट लगाकर खड़े रहते हैं, जो कभी मतलब दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हुआ करता था, तो इंग्लैंड की आप सिचुएशन समझ सकते हो, बट मेरे हिसाब से दोनों टीम पाकिस्तान इंडिया इनको एक एडवांटेज है कि इन्होंने अभी जो हाल फिलहाल में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान भले इंग्लैंड से हारी है लेकिन भारत इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है T20 में, और भारत में भी हराया, तो दोनों जगह हराया, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के साथ ये है कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड में हरा क्या रहा है, तो दोनों टीमों के पास एक एडवांटेज है कि ये इनके खिलाफ अच्छा खेलते आ रही है। बस इंडिया पाकिस्तान अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान इंडियन प्लेयर्स के लिए ज़्यादा प्रेशर वाला गेम होगा एज कम्पेयर टू इंडिया न्यूजीलैंड मैच, क्योंकि वहां से न्यूजीलैंड जीतेगी या तो पाकिस्तान जीतेगी, क्योंकि आप समझ सकते हो रीजन क्या है, पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली आप खेलोगे सोशल मीडिया ये वो इतना ज्यादा प्रेशर, भले कोई भी कहे कि अरे पाकिस्तान को हम ऐसे हरा लेंगे, नहीं भाई ऐसे नहीं हरा सकते आप, इतने प्रेशर वाले गेम में एक अलग तरीके के नर्वस सिस्टम को
हैंडल करना मुश्किल होता है, तो पाकिस्तान डेंजरस टीम है पाकिस्तान के लिए। ये सेम चीज़ है, पाकिस्तान को इंडिया फंसेगी ना फाइनल में तो ज़्यादा टेंशन होगी, इंग्लैंड फंसेगी तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों को ये प्रॉब्लम होगी। अब मैच मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जीतेगी सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल जीतेगी इंडिया और ये दोनों टीम जाएंगी फाइनल। आपके क्या प्रेडिक्शन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब